खबर है, सऊदी अरब में 2023 और 22 में 34 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान से 21 लोग, उसके बाद यमन है, इसमें आप देख सकते हो, इथोपिया है, मतलब ज्यादातर अफ्रीका जोन के ज्यादातर लोग हैं। अब इसमें बड़ा नंबर जो है 69 नंबर जो है ये वो है जहां पर ड्रग्स की सप्लाई की गई है। आपको बताना चाहता हूँ एक खबर को, हालांकि छुपाया गया एक अच्छी बात भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो छुपाने का मतलब ये था कि लोग जो है इससे परेशान ना हो। अभी आपने सुना होगा कुछ लोग जब उमरा करने गए थे तो ना जद्दा एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था, और वो ड्रग के कैप्सूल वाला मामला था, वो किराना शामली का मामला था, उनको वहां पर रोक लिया। लगभग 6-7 साल पहले जब एयरपोर्ट पर जाते थे ना, जब इमिग्रेशन में जब लोग उमरा के लिए जाते थे, उनको इज्जत की नजर से देखा जाता था। लेकिन आज की कहानी पूरी चेंज हो चुकी है, सबकी चेक इन होती है, सबको चेक करा जाता है, इमिग्रेशन पर उनको बुरी नजर से देखा जाता है। इस समय स्मगलिंग बहुत हो रही है, इंसानों की स्मगलिंग हो रही है, लोग जॉब के नाम पर कहेंगे यहाँ और भेज कहीं और देंगे आपको, इस तरह का स्कैम हो रहा है, इससे आपको बचने की जरूरत है। दोस्तों 3 दिन पहले एक ऐसी खबर सुनी सऊदी अरब की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, यानी 101 लोगों को मौत की सजा सुना चुका है सऊदी अरब। अब सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है और ये खबर मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको सुननी चाहिए। जब आपको पता चले कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त कोई उमरे के लिए जाता है या किसी प्लान से सऊदी अरब जाता है, और पता चलता है कि उसके बाद उमरा तो दूर की बात, घूमना तो दूर की बात, उसे जो है जद्दा पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और पता चलता है कि वो स्मगलिंग कर रहा था या धोखे से स्मगलिंग करवाई गई उसे एजेंट द्वारा, तो क्या होगा। इसी तरह की खबर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सऊदी अरब में लगातार मौत की सजा की जो संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है, और अभी साल खत्म नहीं हुआ है कि यहाँ पर 101 लोगों को जो है मौत की सजा जो है सुनाई गई है। पूरी खबर क्या है ये बताने वाला हूँ, इसमें भारतीय लोग भी हैं और पाकिस्तान लोग भी हैं, और पाकिस्तान के बारे में तो लगातार तरह तरह की खबर आ रही है। अब पाकिस्तान के लोगों को वीजा मिलना भी मुश्किल हो गया है, साथ ही साथ जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो कुछ लोग उमरा के नाम पर आ रहे थे, भीख मांग रहे थे, उनके लिए बहुत सख्त कानून कर दिया है, यानी दिन पर दिन ये कानून बहुत सख्त होता जा रहा है। आपको इससे समझनी पड़ेगी एक्चुअल में लोग ट्रैप क्यों हो रहे हैं। खबर है सऊदी अरब में 2023 और 22 में 34 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। अब ताजा आंकड़ा बताते हैं कि विदेशियों में मौत की सजा देने के मामले में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है, यानी 22 और 23 में जो है 34 लोगों को सजा सुनाई गई, लेकिन 2024 अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर 101 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। इसमें 21 लोग पाकिस्तान से। उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि हालांकि इसमें सबसे कम संख्या इंडिया के लोगों की है, 3 लोगों की, ये भी एक मतलब राहत देने वाली बात है। सवाल यह है कि पाकिस्तान से 21 लोग, उसके बाद यमन है, इसमें आप देख सकते हो, इथोपिया है, मतलब ज्यादातर अफ्रीका जोन के ज्यादातर लोग हैं। अब इसमें ज्यादातर एक बड़ा नंबर जो है 69 नंबर जो है ये वो है जहां पर ड्रग्स की सप्लाई की गई है। आपको बताना चाहता हूँ एक खबर को, हालांकि छुपाया गया एक अच्छी बात भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो छुपाने का मतलब ये था कि लोग जो है इससे परेशान ना हो। अभी आपने सुना होगा कुछ लोग जब उमरा करने गए थे तो ना जद्दा एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था, और वो ड्रग के कैप्सूल वाला मामला था, वो किराना शामली का मामला था, उनको वहां पर रोक लिया। और मैं लगातार इस तरह की खबरें बना रहा हूं, और मेरा मकसद क्या है ये बताना आपको कि किस तरीके से बचना है। इसलिए कभी भी आप उमरा जा रहे हैं या टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो जो वेरीफाइड लोग हैं उनसे ही आप पैकेज लें। पहली चीज, सस्ते के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि ज्यादातर ये केस ऐसे आ रहे हैं कि सस्ते में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे तरफ टांडा बाद लिए, वहां पर तो मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जो 50-50 हजार रुपए में उमरा कराते हैं, 55-55 हजार रुपए में उमरा कराते हैं, फिर बाद में पता चला कि अब वो क्या करवाते हैं, सोने की तस्करी करवाते हैं, ऐसे बहुत सारे र्यूमर हैं। तो आपको इन सारी चीजों से बचना है भाई। धोखे से कभी भी एयरपोर्ट जाएं, कोई सी भी एजेंट के साथ काम कर रहे हैं, किसी के साथ भी काम कर रहे हैं, किसी का कोई भी सामान नहीं रखना आपको, विद इन करेंसी भी नहीं लेनी है, सामान भी नहीं रखना, कुछ भी नहीं करना है, आपके रिलेटिव का सामान भी रखना, किसी का सामान रखना है। ये जो 11 लोग थे शामली के, दो चीज हो सकती है, या तो ये वाकई में ये चीज कर रहे होंगे या किसी ने इनसे करवाया होगा, लेकिन फंसे क्या ये। मैं आपको रियल बात बताऊं कि एक वक्त था 2006 मतलब लगभग 6-7 साल पहले, जब एयरपोर्ट पर जाते थे ना, जब इमिग्रेशन में जब लोग उमरा के लिए जाते थे, उनको इज्जत की नजर से देखा जाता था। लेकिन आज की कहानी पूरी चेंज हो चुकी है, सबकी चेक इन होती है, सबको चेक करा जाता है, इमिग्रेशन पर उनको बुरी नजर से देखा जाता है, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है पिछले 4-5 साल के अंदर कि लोग उमरा पर जा रहे हैं, और स्पेशली मतलब चाहे 1% हो या 2% हो, सस्ते के चक्कर में क्या करते हैं, उनके साथ उनसे सोने की स्मगलिंग कराई जाती है। इस तरह की आप वीडियोस देख सकते हैं, आप खबरें पढ़ सकते हैं, अगर आज भी आप सर्च करेंगे ना तो आपको इतना बड़ा स्कैम नजर आ जाएगा। और यही चीज को रोकने के लिए सऊदी अरब लगातार नए से नए कानून बना रहा है। अब देखो यहाँ हाल में ही ये यमन के नागरिक को ड्रग्स तस्करी के मामले में सजा दी गई है, और ये खबर दोस्तों बहुत बड़ी है। सबसे ज्यादा 21 लोग पाकिस्तान से शामिल है, जबकि 3 लोग भारत के हैं इसमें, यमन से 20 लोग, सीरिया से 14, नाइजीरिया से 10, मिस्र से 9, जॉर्डन से 8, इथोपिया के 7 लोगों का नाम लिस्ट में है। इससे आप एक चीज क्लियर करोगे, जितने लोग हैं ये ज्यादातर कंट्री क्या है,
या तो एक इनकी इकोनॉमी स्ट्रगलिंग कर रही है या फिर ये ज्यादातर अफ्रीका जोन से होंगे। मैं किसी एक स्पेशली इंसान को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन आप मैं 23 कंट्री घूम चुका हूँ, मुझे पता है कहाँ पर दिक्कत आती है, चाहे वो इथियोपिया हो, यमन हो, सीरिया हो, इजिप्ट हो या यहाँ हो। यहाँ मैं आज भी आपको, अब आप टूरिस्ट के लिए भी घूमने जाओगे ना तो आपको पता है बहुत सारी दिक्कत होती है। जब कोई एक टूरिस्ट जाता है तो वहाँ के लोग उसको पूरी तरीके से घेर लेते हैं। आप अफ्रीका जोन की बहुत सारी वीडियो देख सकते हो, तंजानिया की देख सकते हो, आप युगांडा की देख सकते हो कि वहाँ अक्सर इस तरह की चीज आती है कि करप्शन कैसा चल रहा है, कि लोग जो है पैसे मांगते हैं, छीनने की कोशिश करते हैं, कई बार कहते हैं लोग कैमरा छुपाओ, इस तरह की चीज आती है। और अगर आप इसमें देखोगे एक भी इनसे अलावा ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा, सऊदी अरब का कोई लोकल बंदा इसमें अरेस्ट नहीं हुआ या उसको फांसी की सजा नहीं सुनाई गई, इस मामले में नहीं सुनाई गई। यह आप किसी ऐसा नहीं देखोगे कि कोई रूस का बंदा हो, टर्की का बंदा नहीं देखोगे आप, मतलब ऐसा नहीं सुनने मिलेगा, अफगानिस्तान का कोई बंदा नहीं देखोगे आप इस तरह का। शनिवार को ड्रग्स तस्करी के मामले में एक यमनी नागरिक को दोषी का पाया गया, उसे फांसी दी जाने की घोषणा की गई। इसके साथ ही खाड़ी देश में 2024 में 101 विदेशी नागरिक को फांसी की सजा देने का रिकॉर्ड बन गया है, इससे पहले नहीं हुआ। और ये अभी तो दोस्तों ये मतलब ये मान के चलिए कि अभी ये 2024 खत्म भी नहीं हुआ है। और सबसे ज्यादा मृत्यु दंड की दर है सऊदी अरब में, मतलब ये मान के चलिए सऊदी अरब में मृत्यु दंड की दर अभी सबसे ज्यादा बनी हुई है। एक्टिविस्ट समूह का दावा है यहाँ फांसी देने के मामले में व्यापारिक सुधार की व्यापक जरूरत है। मतलब लोग एक तरीके से कि ड्रग्स की सप्लाई ना करें या इस तरह की तस्करी ना करें, कुछ भी। एक पुरानी मूवी आई थी गोट लाइफ के नाम पर मूवी आई थी, तो मैंने वो मूवी देखी थी। देखो किसी एक चीज से पूरी पार्टिकुलर देश को या किसी के कल्चर को टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन रियलिटी ये है हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। बुरे लोग कई बार सस्ते के चक्कर में जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। इस समय स्मगलिंग बहुत हो रही है, इंसानों की स्मगलिंग हो रही है। लोग जॉब के नाम पर कहेंगे यहाँ और भेज कहीं उड़ देंगे आपको, इस तरह का स्कैम हो रहा है, इससे आपको बचने की जरूरत है। इसलिए आप कहीं टूरिस्ट पे जा रहे हैं घूमने के लिए या आप मान लीजिए जॉब के भी जा रहे हैं, वर्किंग वीजा भी ले रहे हैं, तो पहले अथॉरिटी देखें, उसकी ऑथोराइज करें, ये देखें कि यार ये बंदा जिसके साथ हम जा रहे हैं कितना जेन्युइन है, इसकी कंपनी क्या कह रही है, इसके कंपनी का फीडबैक क्या कह रहे हैं, इसका रिव्यू क्या कह रहा है। और पेमेंट डालनी है तो कभी भी करंट अकाउंट में डालें, उनके ऑफिशियल अकाउंट में डालें। कई बार जीएसटी से ना बचे, कई बार हमें क्या लगता है कि यार सपोज करो कि मैंने आपको उम्रे का पैकेज दिया 80,000 रुपए का, मैंने कहा भाई पेमेंट डाल दो, अब मैंने कहा यार मेरे अगर करंट अकाउंट में या मेरे आप ऑफिशियल अकाउंट में डालोगे तो मैं 83,000 लूंगा, तो आप 3,000 रुपए बचाने के चक्कर में कई बार कैश दे देते हैं या कई बार किसी और के अकाउंट में डाल देते हैं, वो फ्रॉड हो जाता है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, कई बार सस्ता के चक्कर में नहीं पड़ना है, कई बार आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये दिल दहलाने वाली खबर है दोस्तों कि यहाँ पर ऐसा होगा। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो किराना वाली खबर है इसको एक तरीके से जद्दा एयरपोर्ट से दबाने की कोशिश की गई। मकसद क्या था कि लोग घबराए नहीं, ऐसा ना हो इसके चक्कर में वो उम्र आना छोड़ दें। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है आपको ये बताना कि भाई अगर आप किसी भी ट्रेवल कंपनी के साथ सफर कर रहे हैं, स्पेशली उम्र का भी कर रहे हैं या मान लिया आप अरबाज ट्रेवल्स के साथ भी कर रहे हैं ना, तो हम कभी कहते ही नहीं है कि किसी का सामान लेके जाओ। हम नहीं कहते किसी एयरपोर्ट पे हमारा सामान रख लो या हमारी करेंसी रख लो, कुछ नहीं। सामान तो दूर की बात, हम अपनी कभी करेंसी भी नहीं देंगे आपको कि हमारी करेंसी वहां ले जाना। तो ये चीज को समझने की ज्यादा जरूरत है आपको। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी नई सीरीज शुरू होने वाली है अरबाज ब्लॉग चैनल पर, जहां मैं दुनिया घूम रहा हूँ, लगभग मैं 22 कंट्री घूम चुका हूँ, तो उसे भी आप जो है चैनल को फॉलो कर सकते हैं अरबाज ब्लॉग्स को, इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा। साथ ही साथ उम्र का अगर आपको पैकेज लेना तो अरबाज ट्रेवल्स हमारी कंपनी है। और हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है आपके सफर को आसान कराना। पैसा कमाना तो एक बहुत अलग की चीज है, हमारा काम है आपके सफर को आसान करना। आप कहीं से भी उम्र का पैकेज ले रहे हैं कोई बात नहीं, एक बार हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, ये मोबाइल नंबर है 9718000128, यहाँ से हम आपको पूरी जानकारी देंगे, होटल की डिटेल देंगे, सब कुछ देंगे, उसके बाद पसंद आए तो आप वो पैकेज ले सकते हैं। जय हिंद, अपने ख्याल रखें।